नमस्कार। उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ है, एक जाना पहचाना चेहरा है टेलीविजन का, बहुत बेहतरीन अदाकारा। स्वागत करती हूँ पारिवा प्रणाति जी का, बहुत बहुत स्वागत आपका नमस्ते आज, नमस्ते बहुत नमस्ते। बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि हमारे शो का फॉर्मेट है कि आजकल बहुत चीजें नहीं हो पा रही है, अगर थिएटर भी करना चाहे तो ऑडियंस नहीं है, और थिएटर करना भी अभी बहुत मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं मायूसी का आलम आ जाता है, खासतौर पर जो नए परफॉर्मर्स हैं जो अभी भी थिएटर में आए हैं। तो जो हमारी शख्सियतें हैं उनकी जो लाइफ की जर्नी है बहुत इंस्पिरेशनल रहती है, क्योंकि कला का रास्ता बहुत आसान है। तो बिल्कुल मैं चाहूंगी आपका जो सफर रहा है कला के क्षेत्र में वो आप हमसे समझाएं। बिल्कुल। तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2004 में। एक्चुअली तब मैंने यात्री करके एक थिएटर ग्रुप है बॉम्बे में, वो ज्वाइन किया ओम कटारे जी का। तो मुझे आप मैंने रियलाइज़ किया कि थिएटर काफ़ी डिफ़िकल्ट मीडियम है। आई थिंक टीवी फिल्म से कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट मीडियम थिएटर है, क्योंकि आपको रीटेक करने का ऑप्शन नहीं है, आपको एक एक चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। अगर सामने वाला कलाकार कोई गलती कर दे तो आपको वो संभालने के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। उनके साथ मैंने सीखा काफ़ी। बट उसके बाद 2005 में मैंने टेलीविज़न में काम करना शुरू कर दिया था। टेलीविज़न में काम करने का एक मतलब ये होता है कि आपको किसी और चीज़ के लिए टाइम रहता नहीं है। थिएटर से धीरे धीरे थोड़ी दूरी हो गई। उसके बाद टीवी में मैंने काफ़ी शोज़ किए थे बैक टू बैक। तो भाभी करके एक शो था स्टार प्लस पे, उससे शुरुआत की थी मैंने। फिर सलाम जिंदगी करके एक शो था, विरुद्ध करके एक सोनी पे शो आया था। तो विरुद्ध हमें काम करने के का, करने से मुझे एक तरह से थिएटर का एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि उसमें सारे थिएटर एक्टर्स थे। विक्रम गोखले जी थे, अच्युत पोद्दार जी थे, तो गोविंद नामदेव थे। वो एक एक्सपीरियंस में मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला उनसे। क्योंकि हम जितने भी नए कलाकार होते थे, हम सेट पे क्या करते थे, हम बैठ के बड़े कलाकारों को परफॉर्म करते हुए देखते थे। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि आप जब अच्छे एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं कि वो कैसे इम्प्रोवाइज कर जाते हैं चीज़ों को। वो एक एक रट के एक्टिंग नहीं करते, वो ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज करना, और वो सब थिएटर ट्रेनिंग से ही आता है। और वो शो किया। उसके बाद मैंने एक गुजराती एक हिंदी शो किया था स्टार प्लस के लिए, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, जो कि एक हैट्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो वो आतिश कपाड़िया करके एक राइटर हैं जो कि काफ़ी नामी राइटर हैं, तो उनका लिखा हुआ शो था। और उस शो में मैं वैसे बिहारी हूँ, बट मैं उस शो में गुजराती बनी थी। और उसमें मेरे अलावा बाकी सारे एक्टर्स गुजराती थे, पर उसमें बोलना गुजराती सिर्फ मुझे था। तो वो एक और मेरे लिए थिएटर एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे हर एक्टर आके गुजराती सिखा रहा होता था और हर एक्टर आके एक्टिंग सिखा रहा होता था। तो मैंने रियलाइज किया कि आप काम कर भी लीजिए तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी जर्नी आसान हो जाती है, आपको डिफिकल्टीज का सामना करते रहना पड़ता है। तो मुझे याद है कि मेरा पहले एपिसोड की शूटिंग हो रही थी, और मुझे उसमें गुजराती भी ऐसी इस लेवल की गुजराती बोलनी थी कि और कॉन्फिडेंटली बोलनी थी कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती थी। तो एक दिन जब मुझे बहुत सारे एक्टर्स ने आके सिखाना शुरू कर दिया, तो मैं रोने लगी साइड में जाके। तो मेरे डायरेक्टर थे समीर कुलकर्णी जी, तो वो आए मेरे पास, उन्होंने बोला क्या हो गया, क्यों परेशान हो। तो मैंने बोला कि इस शो में आके मुझे लग रहा है मुझे एक्टिंग ही नहीं आती, क्योंकि हर कोई आके एक्टिंग सिखा रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि किसने किसने सिखाया। मैंने बोला सबने सिखाया, एक तो क्योंकि मुझे गुजराती नहीं आती, तो ऑब्वियसली वो लोग भी अपने लेवल पे मुझे करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी सेट पे कि मेरे अलावा इससे एक्टिंग के बारे में कोई बात नहीं करेगा। सो आई थिंक वो बहुत एक बड़ा सपोर्ट था। तो उस शो में एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा था इवेंचुअली, कि जब वो शो मैं कर रही थी और मैं कहीं ट्रैवल करती थी, तो इवेंचुअली मेरी गुजराती इतनी इस लेवल की हो गई थी कि मुझसे मतलब एयरपोर्ट वगैरह पे जो गुजराती होते थे, तो आके गुजराती में बात करने लगते थे, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल थॉट कि आई एम एक्चुअली अ गुजराती। सो दैट वॉज क्वाइट अ नाइस एक्सपीरियंस। वो एक कलाकार के लिए बड़ा अच्छा फीलिंग होता है कि एक कम्युनिटी आपको समझ रही है कि आप उसी उनकी लैंग्वेज बोलना जानते हो। तो वो हुआ था एक एक्सपीरियंस, एक बहुत ही
और हैट्स ऑफ जो है वो एक थिएटर कलाकारों से ही बना हुआ प्रोडक्शन हाउस है, उसमें हर आदमी थिएटर से आया है. तो आई थिंक मैंने ये रियलाइज किया अपनी जर्नी में एज एन एक्टर कि इट इज़ अ मस्ट टू डू थिएटर, कि क्योंकि आपके बेसिक्स वहीं से इम्प्रूव होते हैं, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ से आता है, आप में एक ठहराव आ जाता है थिएटर करके. जो आप भले ही फिर आप टीवी करिए, आप फिल्में करिए, आप कहीं पे भी काम करिए, इनफैक्ट आपकी लाइफ में भी इन जनरल वो ठहराव बहुत ज़रूरी होता है जो आपको थिएटर की ट्रेनिंग में मिलता है. सो दैट हैज़ एक्चुअली हेल्प मी ओवरऑल इन जनरल लाइफ. एंड इनफैक्ट मैंने फिर एक्टिंग से ब्रेक लिया बिकॉज आई हैड अ बेबी. सो उस टाइम पे व्हेन, क्योंकि आप एक्टिंग करने की आपको इतनी आदत होती है कि जब आपको ब्रेक लेना पड़े तो भी आपको बहुत एक डिफिकल्ट लगता है वो चीज़ कि आप कैमरा से दूर हो, आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो. बट दैट एक्सपीरियंस हैज़ हेल्प मी टू स्टे स्टेबल बेसिकली. तो वो चीज़ बहुत अच्छी रही है जर्नी अभी तक. तो अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आप थिएटर से भी जुड़ी रही, आप टेलीविजन से भी जुड़ी रही, तो कौन सा मीडियम आपको सेटिस्फाइंग लगा और बहुत सारा चैलेंजिंग भी एक बार सीन में चैलेंजिंग? थिएटर में मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला, बट मैंने एक तलाश करके फिल्म भी की थी, आमिर खान थे उसमें, और उसके अलावा मैंने एक शॉर्ट फिल्म्स भी की हुई हैं. टीवी के साथ क्या है कि टीवी में अगर आपको आपके मन का काम मिले तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है. तो क्या होता है कि टीवी बहुत ही डिफ़िकल्ट मीडियम है, आपको 8 पेज के डायलॉग्स दे दिए जाएंगे और आपको आधा घंटा दिया जाएगा प्रिपेयर करने के लिए. तो इनिशियली इनिशियली आपको डर लगता है इस चीज़ से, पर अभी क्या हो गया था, धीरे धीरे काम करते करते टीवी में क्या हुआ था कि आप सीख गए थे कि आपको कम टाइम में कैसे परफॉर्म करना है. वो उस चीज़ से मुझे फिल्म में भी हेल्प हुई इनफैक्ट तलाश में, क्योंकि उन्होंने मुझे ऑडिशन जब मेरा लिया तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट ही इसलिए किया कि ये तो 1 सेकंड में रो दी, तो क्योंकि उस कैरेक्टर को रोना था, उसमें मेरे हस्बैंड की डेथ होती तलाश में. सो मेरा जब ऑडिशन था तो वो ऐसे सरप्राइज थे कि हमने इतने लोगों को ऑडिशन दिया पर कोई रो नहीं रहा था, रो नहीं पा रहा था. तो वो आई थिंक वो टीवी ट्रेनिंग थी और वो थिएटर ट्रेनिंग मिल के, आई थिंक हम लोगों को इन लाइफ हर मीडियम से सीखना चाहिए. सो बहुत लोग टीवी को क्वेश्चन मार्क से देखते हैं कि मतलब कि एक्टिंग के लिए क्या है ये वो, बट मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आप सीखना चाहो तो आप हर मीडियम से सीख सकते हो, और मैंने टीवी से भी बहुत ज़्यादा सीखा है, बहुत ज़्यादा. और मुझे थैंकफुली बड़े अच्छे लोग मिले हैं काम करने के लिए साथ में. सो वो मेरी जर्नी में बहुत हेल्प की. टीवी बहुत चैलेंजिंग रहा है. तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जब हम टीवी करते हैं, कोई भी कलाकार जब नया नया टीवी में आता है, टेलीविजन में काम करने आता है दर्शकों से, तो किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए जब हम टेलीविजन में काम करते हैं? देखिए मैंने रियलाइज़ किया कि टीवी सक्सेस को जो होता है, टीवी का जो सक्सेस होता है ना, आप सडनली स्टार बन जाते हैं, आपका फर्स्ट शो हिट हो गया तो आपको लगता है कि बस अब वो टीवी मीडियम ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल रहने की ज़रूरत है. ना आप सक्सेस को ऐसे लीजिए कि आप दुनिया के राजा बन गए हैं, ना आप फेलियर को ऐसे लीजिए कि सब खत्म हो गया है. सो वो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक शो बहुत बड़ा हिट होगा और ऐसा हो सकता है कि आपका अगला शो बिल्कुल ना चले, और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक टाइम पे बिल्कुल डिमांड में हैं और हर कोई आपके साथ काम करना चाहता है, फिर सडनली एक ऐसा फेज आए कि आपको एक भी फ़ोन नहीं आ रहा है. तो आपको अपने हाई और अपने लो दोनों से डील करना आना चाहिए, और मुझे लगता है अच्छा बिहेवियर रखना बहुत ज़रूरी होता है. कि अगर आप जैसे किसी शो के लीड हैं तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि अरे मैं लीड हूँ तो मैं स्टार हूँ, बाकी सब मेरे नीचे, वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. आपको ये हमेशा समझना चाहिए कि अगर आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनफैक्ट अगर आप शो के लीड हैं तो आपको यू हैव टू इंश्योर कि हर कोई अच्छा फील करे आपके अराउंड, आप सबकी हेल्प कर सकें. अगर आपसे जूनियर कोई एक्टर है तो आप उसकी अगर हेल्प कर सकते हैं तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए. आप अपने सीनियर के साथ हैं तो आप उनसे सीख सकते हैं. सो वो अगर आप टीवी मीडियम को उस तरह से देखें कि आप इसमें सीखें और आप हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करें, तो वो मीडियम बहुत अच्छा है. तो मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे यंग परफॉर्मर्स की अगर हम बात करें, जैसे अभी उन्होंने आइकॉन अगर यंग परफॉर्मर्स की बात करें, तो बहुत सारे आपको भी सपने लिए उनका इंटरनेट स्टार्ट होता है कि हमेशा
मैं कहूँगी कि एक पॉजिटिविटी रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखे, उन्होंने बहुत छोटे छोटे रोल किए हैं, लेकिन आप अपनी डिफिकल्टी से हारिए मत। अगर आपको आते ही काम मिल गया तो ये भी इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जर्नी हमेशा आसानी रहेगी, और आपको आते ही रिजेक्शन मिला तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको कभी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ आई थिंक फैमिली का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें, कि अगर फैमिली सपोर्ट रहता है और तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। बट कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना फैमिली से के सपोर्ट के भी आते हैं, जिनकी फैमिली नहीं चाहती कि वो एक्टिंग में आए क्योंकि उनको लगता है एक्टिंग लाइन अच्छी नहीं है। कई लोगों का मैंने ये परसेप्शन भी सुना है। तो मेरे हिसाब से ये है कि एक्टिंग एज अ प्रोफेशन इज समथिंग लाइक एनी अदर प्रोफेशन। इसको आप कैसे डील करते हैं उस पर हर चीज़ डिपेंड करती है। अगर आप इस प्रोफेशन में बिगड़ना चाहते हैं तो बिगड़ने के बहुत रास्ते हैं। अगर आप इस प्रोफेशन में अच्छे से रहना चाहते हैं, सुधर के एक अच्छा इंसान बन के इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके भी बहुत सारे रास्ते हैं। मैंने ये भी देखा कि बहुत लोग किसी एक ग्रुप में घुस जाएंगे, किसी एक से दोस्ती करके उनके साथ चिपक के रहेंगे या उनसे ही बढ़ के रहेंगे, उनसे उनके साथ आगे बढ़ेंगे कि उनसे काम मिल जाएगा। बट मैंने ये भी देखा है कि आप कितनी भी चापलूसी कर लें, नहीं मिलना होगा तो आपको नहीं मिलेगा काम। तो मुझे लगता है कि आपको ये मेंटली ये स्ट्रेंथ लेकर आना चाहिए कि कई दिन आप अकेले बिताएंगे, कई दिन आपको एक भी फोन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अपने काम और आपको हमेशा अपने ऊपर मेहनत करती रहनी होगी। आप ये सोच के आए कि अगर आप अच्छे दिखते हैं और आपको सडनली एक्टिंग में काम मिल जाना चाहिए, अच्छे दिखने का एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपको एक्टिंग एक साधना है, आपको उसको सीखना पड़ेगा। और एक्टिंग मैंने ये रियलाइज किया था कि एक्टिंग इज आप जब एक कैमरा के सामने, एक ऑडियंस के सामने बेशरम होके कुछ भी बन सकते हैं, वो चीज आपकी एक्टिंग है। अगर आप में जरा भी इनहिबिशन है तो आप एक्टिंग नहीं कर सकते। तो आपको रोज उस साधना पे प्रैक्टिस करनी होगी, अपनी भाषा सुधारने की कोशिश करनी होगी। मेरे एक जिया जी हैं, वो राइटर हैं, तो जब मैं एक्टिंग करना शुरू करने आई थी तो मैं उनके साथ दीदी और जिया जी के यहाँ रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आधे से ज्यादा एक्टर्स ये नहीं जानते कि फ और फ क्या होता है, फूल नहीं होता है, फूल होता है। तो उन्होंने बोला कि तुम देखना कितने एक्टर्स ऐसे होंगे जो फूल बोलेंगे, जबकि फ कुछ नहीं होता है, फ होता है। तो मैंने वो चीज़ मेरे दिमाग में ऐसी बैठी कि कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको रोज सीखनी पड़ेंगी अगर आप बेहतरीन कलाकार बनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है आपको फेम के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप फेम आ जाएगा अगर आप अपने काम में अच्छे हैं। तो बेसिकली वो है, आपको अपने आप को अच्छा कलाकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, और सीखना तो पूरी जिंदगी होता है, और डिक्शन बहुत मैटर करता है कि आपको सही बोलना आना चाहिए। आपने बहुत सारे चैलेंजिंग कैरेक्टर्स किए हैं, बहुत सारे आपने कैरेक्टर्स किए टेलीविजन में, चाहे उड़ता की बात करूँ या जो भी है। तो अभी तक आपके लिए, जो आपके लिहाज से, आपके ख्याल से सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर कौन सा रहा सबसे जिसे आपके मैं दो कैरेक्टर्स की बात करूंगी। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा मुझे जिसमें डिफिकल्टी हुई थी वो था सुशीला बहू का कैरेक्टर। मैंने किया था एक दूसरे से करते हैं प्यार हम में, मतलब वो कैरेक्टर मुझे लगता है डे वन टू डे लास्ट जब तक मैंने वो कैरेक्टर किया, मैं अपने आप को हर मेरे मैं अपने हस्बैंड के सामने, तब वो मेरे बॉयफ्रेंड थे, शादी हमारी बाद में थी, तो एक दिन मैं आके ऐसे बोल रही थी उनको कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे हो ही नहीं सकता है। प्रोड्यूसर्स बहुत कॉन्फिडेंट थे कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन कि इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट गुजराती मुझे बोलनी थी, और ऐसे दो दो तीन तीन लाइन बोलना था कि मैं ऐसे थी कि उसमें इमोशंस भी रखूँ, लैंग्वेज भी सीखूँ, सब नहीं हो सकता मुझसे। तो इसने मुझे, पुनीत उनका नाम है, तो उन्होंने बोला कि जब भी कोई सीन शुरू, और वो बहुत हाई एनर्जी कैरेक्टर था तो आपकी एनर्जी भी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए साथ में, तो उन्होंने मुझे बस बोला कि हर शॉट के पहले तू अपने आप को बोल कि तू रॉक स्टार है, तू नहीं कर सकती तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, अपने आप को ये बोल और कर। तो मैं एक्चुअली वो प्रैक्टिस करने लगी थी कि मैं अपने आप से बात करती थी हर सीन के पहले कि यू ओनली यू कैन डू इट। और वो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस अगर आप अपने आप में दिखाओ तो फर्क पड़ने लगता है। तो धीरे धीरे मैं एक्चुअली वो कैरेक्टर ऐसे ही पकड़ लिया फिर कि मुझे गुजराती बोल, वो ऐसे होता था कि गुजराती बोल यहाँ दो मैं अभी करके देती हूँ। तो और टीम का बहुत हेल्प रहा मुझे, जो पूरी हैट्स ऑफ की टीम थी, प्रोड्यूसर्स थे, वो इतने पेशेंट थे मेरे साथ कि तुम कर सकती हो, उनको बहुत भरोसा था कि तुम कर सकती हो। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी, और बहुत फिर मैंने बहुत इन्जॉय कर, एक बार वो डिफिकल्ट फेज क्रॉस कर लिया मैंने तो बहुत इन्जॉय किया मैंने उस रोल को।
और एक कैरेक्टर जो लास्ट मैंने एक शो किया था एक दूसरे से करते ये हैट्स ऑफ डीजे प्रोडक्शन का एक शो था सिस्टर दीदी, हमारी सिस्टर दीदी. तो उसमें मुझे नर्स का रोल प्ले करना था एंड एक सिंगल मदर है जो दो बच्चों के साथ है. सो दैट ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज उसमें मुझसे वो एक्चुअली इतना काम मुझे करना पड़ता था कि मुझे लगता था नर्सेस कैसे मैनेज करती होंगी कि सुबह से रात तक वो दौड़ती रहती थी, मुझे दौड़ाते ही रहते थे कि इधर जाके पेशेंट चेक करना है, उधर जाके पेशेंट चेक करना है, इधर इतना करना है, उधर इतना. उसके बाद बीच में मुझे डायलॉग्स आ जाते थे कि ये 6 पेज के डायलॉग आपको बोलने हैं. तो वो भी, लेकिन अगेन उसमें मेरी टीम इतनी अच्छी थी और मेरे प्रोड्यूसर्स ने उसमें मुझे इतना सपोर्ट किया था कि आई रियली एंजॉयड इट. तो ये दोनों ही किरदार आई थिंक दे वर लाइक द बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंड टू मी. हमारे साथ बहुत से व्यूअर्स ने ज्वाइन किया, मैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगी. अक्षय थैंक यू बच्चे ने ज्वाइन करने के लिए, निखिल बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. रश्मि जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए. दीपक जी बहुत शुक्रिया. अश्रद्धा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. युवराज सर थैंक यू ज्वाइन करने के लिए. विनीता जी ब्रॉडकास्टर ने, युवराज सर नेशनल स्कूल परफॉर्मेंस से रंगकर्मी ने बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक कैरेक्टर को करने के लिए जर्नी में से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, आप क्या कहेंगे इस बारे में किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए? बिल्कुल. एक तो आपको आई थिंक कहते हैं कि आप कैरेक्टर बनते हैं तो आपको अपने आप को उसमें खो देना होता है. तो मैं जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि कई बार अगर पेन का सीन है जिसमें आपको रोना है वो कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है, कॉमेडी करना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो अगर आपकी लाइफ में कई बार आपको एक अलग जोन में जाना पड़ता है तो रोने के सीन के पहले मुझे याद है कि मैं सबसे चुप हो जाती थी, अलग चली जाती थी एंड आई वुड थिंक ऑफ एवरीथिंग That has happened in my life, जिसमें मैं दुखी हुई हूँ, जिसमें मुझे पेन हुआ है. सो आई थिंक वो पूरी जर्नी आपको फिर से जीनी पड़ती है टू परफॉर्म दैट पेन इन रियल लाइफ. और कोई भी कैरेक्टर करने के लिए आई थिंक आपको हर दिन न्यूएंसेस पकड़ने पड़ते हैं. तो जैसे अगर एक एक्टर के लिए एक अच्छा व्यूअर होना बहुत ज़रूरी है, एक आपको नोटिस करना आना चाहिए. तो जैसे हम ट्रैवल भी करते हैं, मेरे हस्बैंड भी एक्टर है तो हम दोनों ट्रैवल कर रहे थे, तो अगर गाड़ी कहीं रुकी है तो हम वी कीप वॉचिंग पीपल कि एक कोई रोड भी क्रॉस कर रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है कि वो उस तरह के. तो मैंने एक सलाम जिंदगी करके शो किया था जिसमें मैं कॉप बनी थी. तो उसमें मुझे याद है मैंने किरण बेदी के की बुक पढ़ी थी उसके पहले और मैं वीडियोज़ देखती थी कि एक नॉर्मल लेडी कॉप की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है. फिर मैं अगर कहीं जा रही होती थी और रोड पे जैसे कॉप्स खड़े होते हैं उनमें अगर कोई लेडी कॉप हो तो मैं उनसे इंटरेक्ट करती थी. तो एक आई थिंक एक जर्नी में आपको यू हैव टू लिव दैट कैरेक्टर फॉर सम टाइम और एंड यू ऑल्सो नीड टू नो कि कब उस कैरेक्टर से बाहर निकलना है, क्योंकि जब आप कोई कैरेक्टर निभाते हैं तो वो जर्नी कहीं ना कहीं ख़त्म भी होती है. तो कनेक्शन और डिसकनेक्शन आना भी बहुत ज़रूरी है कि आप उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, आपका अपना जो वजूद है वो भी रहना ज़रूरी है. तो वो दोनों चीज़ें मैंने रियलाइज़ की इन माई जर्नी कि आपको जब भी कोई कैरेक्टर प्ले करने को मिले मेरे हिसाब से ये कि आपको नोटिस करनी चाहिए चीज़ें अपने आसपास, सीखना चाहिए दूसरों से. और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आप किसी बच्चे से उठा सकते हैं, किसी बूढ़े से उठा सकते हैं, किसी जवान से उठा सकते हैं और वो चीज़ें आपके कैरेक्टर को प्ले करने में बहुत हेल्प करती हैं. ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी कैरेक्टर को जीते हो तो ये बहुत जरूरी है और तभी आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाते हो. तो आप इंस्पिरेशन कौन रही है इस जर्नी में, किसका सबसे ज्यादा आप किससे इंस्पायर्ड? मुझे इरफान खान मतलब मेरे आई थिंक मेरे लिए एक्टिंग के भगवान वही हैं, क्योंकि मैंने उनको जब भी देखा है वो ऐसे किरदार बन जाते हैं कि आप भूल जाते कि वो इरफान खान है, वो आप बस वो किरदार को नोटिस करते थे. मतलब वो अब उनकी डेथ हो चुकी है लेकिन मुझे लगता है मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि इरफान हमेशा कभी मर नहीं सकता, क्योंकि वो और एंड एन एक्टर हु डजंट ट्राई टू बिकम अ स्टार, हु बिकम समबडी कि हर आदमी को लगे कि वो उसका है,
तो मुझे लगता है इरफान खान से बड़ा एक्टर मेरे लिए नहीं हुआ है बॉलीवुड में. अब बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं बट मेरे लिए पर्सनली उनसे मैंने बेटर एक्टर नहीं देखा है. और मुझे अगर लेडी एक्टर्स में पूछा जाए तो मुझे कोंकणा सेन बहुत पसंद है, क्योंकि मैं उनको भी देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ भी बन सकती हैं, कोई भी कैरेक्टर प्ले कर सकती हैं. उनमें ज़रा भी इनहिबिशन, ज़रा भी शर्म नहीं है कोई किरदार बनने में. तो ये दोनों एक्टर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं. कोई ऐसा किरदार जो आप शिद्दत से करना चाहते हैं, आपका ड्रीम हो कि मुझे ये करेक्टर करना है? मैं एक्चुअली बताऊं, जब मैं एक्टिंग का मैं बहुत कुछ बनना चाहती थी लाइफ में. मतलब मेरे हर 2-3 महीने में प्लान चेंज होता था कि मुझे ये बनना है, फिर मुझे वो बनना है. तो मुझे इतना कुछ बनना था कि मुझे रियलाइज हुआ, आप एक एक्टर बन गए तो आपको हर चीज़ बनने का मौका मिल सकता है. अगर मुझसे कोई एक एक किरदार तो नहीं है ऐसे, मतलब आई वांट टू प्ले मेनी मेनी रोल्स. ऐसा है कि मतलब ऐसा कोई एक किरदार नहीं है, बट लाइफ ना मेट्रो में कोंकणा सीन ने एक रोल किया था इरफान खान के ऑपोजिट ही. तो उनका एक सीन था कि वो टेरेस पे हैं और ये उसको बोलता है कि चिल्लाओ, फ्रस्ट्रेशन निकालनी तो चिल्लाओ, और वो खड़े होकर चिल्ला. मतलब मुझे वो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट वो चीज़ें ऐसे छू गई कि इन जनरल लाइफ हम देखते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर दबा के रखते हैं, और कोई एक आदमी आपको आके बोले कि निकाल दो सब, तो उस तरह का किरदार करना है जहाँ पे इट इफेक्ट्स पीपल, इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन ऑन पीपल. उस तरह के किरदार मुझे करना अच्छा लगता है कि जो एक सोच, एक नई सोच लाएं. आप क्या ये समझती हैं कि अगर जो एक कलाकार होता है या जो कोई एक एक्टर होता है उसके लिए जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत जरूरी है? क्या आप ऐसा समझती हैं? क्या ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है? मैं देखिए, मैं पर्सनली एक्टिंग स्कूल नहीं गई हूँ कभी, बिल्कुल नहीं गई हूँ. मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे थिएटर से, जो मैंने चीज़ें देखी उससे, तो आप, मुझे लगता है कि अगर आपको एक्टिंग करनी है तो आपको थिएटर ज्वाइन करना चाहिए. पर्सनली आई डोंट बिलीव इन एक्टिंग स्कूल, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ पे आपको बेशर्म बनाए वहाँ पे आप एक्टिंग सीख सकते हो, और थिएटर में आपको जैसे कुत्ता बिल्ली सब बनाते हैं आप एक्चुअली बेशर्म बन जाते हो. तो मेरे हिसाब से अगर कोई एक्टर बनना चाहता है तो उसको थिएटर से शुरू करना चाहिए. मैं एक बहुत अच्छी कलाकार से अभी रिसेंटली मिली थी, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थी. तो जब मैंने उनसे पूछा कि वो कैसे, क्या क्या सिखाते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने जो चीज़ें बताई मुझे लगा कि अगर कोई एक्चुअली एक्टर बनना चाहिए उसको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी जो उसने मुझे बताई जो वहाँ पे कराते हैं. लेकिन हर और जगह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं, तो वहाँ पे थिएटर, आप थिएटर ग्रुप से ज्वाइन कर ही सकते हैं, क्योंकि जो थिएटर ग्रुप्स में ट्रेनिंग मिलती है आई थिंक वो उसी लाइंस पे होती है कि आपको बेसिकली ऑडियंस के सामने, और अगर आपको ये आ गया परफॉर्म करना कि आप को रीटेक पे डिपेंड ना करें, आप डिपेंड इस चीज़ पे करिए आपको एक बार में ही करना है, आपको वो कैरेक्टर एक बार में ही निभाना है, तो वो ज़्यादा अच्छा आपको एज एन एक्टर बनाता है. कि आपको बोर्ड बन, कोई क्यों बोर्ड लगा के वेट कर रहा है कि आप वो बोर्ड पढ़ के डायलॉग्स बोलें, तो वो चीज़ में मैं बिलीव नहीं करती हूँ. मुझे हमेशा लगता है कि एक फ्लो में एक्टिंग आपको आनी चाहिए जो थिएटर में सिखाया जाता है बेसिकली. तो आपने बहुत खूबसूरत बात बोली थी कि करेक्टर को ऑब्जर्व करना, अगर आप बिल्कुल करेक्टर कर रहे हो तो वो ऑब्जर्वेशन आप कहीं पे भी कर सकते हो। कहीं भी आप करेक्टर कोई रोल कर रहे हो तो कोई भी जरूरी नहीं इसके लिए आपको कोई इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करना है। बिल्कुल, अगर आप ट्रेनिंग लाइफ करना इज अ चाहते स्कूल, आई थिंक लाइफ इज द लाइफ बेस्ट स्कूल. सो मैंने ये बहुत चीज़ भी बात रियलाइज़ की थी कि बच्चों में इनहिबिशंस नहीं होता, और बच्चे कॉपी बहुत करते हैं बड़ों को, बच्चे से आप इतना कुछ सीख सकते हैं. मैं अपने बेटे को वॉच करती हूँ 3 साल का, मैं उससे कितनी चीज़ें सीखती हूँ एज एन, कि अरे यार मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें, न्यूआंसेस हैं जो आपको एज एन एक्टर अच्छा बना सकते हैं. आप वही, मैं जैसे बोल रही थी कि आप अगर रोड पे चल रहे हैं आप बस आते जाते लोगों को देखिए, एक अलग अलग बॉडी लैंग्वेजेस हैं, कोई किसी थॉट में है, कोई खुश लगता है, कोई ऐसा लगता है जैसे पता नहीं उसके लाइफ में क्या तकलीफ है. वो छोटी छोटी चीजें आप जब उसको जीने लगते हैं तो वो आपकी, आपको एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर इम्प्रूव, बिल्कुल आपको हेल्प करती है. इट्स लाइक अ स्कूल फॉर यू. तो कोई ऐसा
जुड़ा हुआ कोई ऐसा वाक्या या कोई ऐसी बात, कोई ऐसी याद जिससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिली हुई हो, या आपने उस या उस वाक्य ने आपने बहुत असर डाला हो, कोई ऐसी याद है आपकी कला की जगह से? मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जुड़ी हैं इस जर्नी में एक्चुअली मेरी। तो मुझे याद है कि मैं जब वो कॉप वाला रोल कर रही थी तो एक सीनियर एक्ट्रेस ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी हाइट बहुत कम है, तुम को कॉप वॉप के रोल नहीं करने चाहिए, तुमको यू नो घरेलू टाइप के रोल करने चाहिए। लेकिन फिर जब मैंने वो रोल किया तो उन्होंने सामने से आके मुझसे कहा था कि नहीं, मैंने जब तुम्हें परफॉर्म करते हुए देखा तो तुम्हारी हाइट नहीं दिखी मुझे, मुझे ये दिखा कि तुम एक्टिंग में कितनी बड़ी हो। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत मैटर करती है कि आपको ये अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए। तो जब मैं कोई भी कैरेक्टर कर रही होती हूँ, अगर मैं अपने आप को लिमिट करती हूँ तो मैं अपने किसी ऐसे से बात करी जो आपको सपोर्ट दे और आपकी वो लिमिटेशन ब्रेक करे। तो वो चीज़ आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को अगर आप लिमिट नहीं करेंगे तो आप हर जर्नी एज अ कैरेक्टर, एज एनी एक्टर, एज एन एक्टर यू विल एंजॉय। सो इट इज़ अ लिमिटलेस वर्ल्ड फॉर एन एक्टर। आपने ऑब्जर्वेशन की बात की, आपने लोगों को देखने की बात की, उनकी छोटी छोटी बातों को नोट करने की बात की, जब आप कोई करेक्टर कर सकते हैं तो मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर आप कोई करेक्टर करते हैं, इम्प्रोवाइजेशन भी होती है जैसे हम स्टेज पे करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं चीजों को, तो आपके ख्याल में किताबें पढ़ना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। मैं इनफैक्ट मैं मुझे स्टोरी नॉवेल्स स्टोरीज ये सब पढ़ने का बहुत शौक है, और अभी से नहीं बचपन से है। इनफैक्ट मेरी पूरा खानदान बुक पढ़ने का शौकीन है, सो विच रियली हेल्प। एंड मुझे रियलाइज हुआ कि जब आप बुक पढ़ते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जर्नी इमेजिन करने लगते हैं कि ये कैरेक्टर ऐसे बात करता होगा, वो कैरेक्टर ऐसे बात करता होगा। वो चीज़ भी एज एन एक्टर बहुत हेल्प करती है आपको कि जब आप किताबें पढ़ते हैं आपको इन जनरल, जैसे आपने मुझसे पूछा था एजुकेशन के बारे में भी, सो आई थिंक एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एजुकेशन आपको जब आप पढ़ते हैं बाहर जाके स्कूल में कॉलेज में, आप ये मत पढ़िए सोचिए कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रेड लाने के लिए स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, आप वहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करना सीखते हैं, आप उस जर्नी में कितनी चीज़ें अपने अंदर चेंजेस लाते हुए देखते हैं। आप अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, आप पहले दिन कोई नए स्कूल जाएंगे, फिर आप धीरे धीरे वो अंडर कॉन्फिडेंस ब्रेक करते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, एक जर्नी जीते हैं आप स्कूल में कॉलेज में। मेरे फादर एयरफोर्स ऑफिसर, अब तो रिटायर हो चुके हैं, तो मुझे याद है कि हम कहीं पे कंफर्टेबल होते थे उसके पहले उनकी पोस्टिंग हो जाती थी, और मैं एज अ चाइल्ड बहुत शाय चाइल्ड थी, तो फिर मुझे रियलाइज होता कि मुझे ऐसा लगता था अरे अब फिर नए स्कूल जाएंगे, फिर नए बच्चों से मिलेंगे, पर अब मुझे रियलाइज होता कि उस चीज़ ने मुझे कितनी हेल्प की कि आपकी वो स्कूल जर्नी, वो लोगों से मिलना, वो लोगों का आपका मजाक भी उड़ाना एक टाइम पे, आपका आगे जाके कहीं ना कहीं आप उसको कैसे लेते हैं उस पर बहुत फर्क पड़ता है कि कोई आपको इंसल्ट भी कर रहा हो तो उससे भी आप सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो इन जनरल आई थिंक एजुकेशन, स्कूल्स, टीचर्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें आपका कैरेक्टर निखारती हैं। तो मैं अभी इनफैक्ट मतलब मेरी नीस है वो हैरी पॉटर की फैन है, तो और मैं उसको उससे जब बात करती हूँ तो वो हैरी पॉटर की लैंग्वेज में बात करती हूँ, मैंने उसको बताया कि मैं अभी भी हैरी पॉटर की उतनी बड़ी फैन हूँ क्योंकि वो बुक्स जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इट टेक्स मी टू अनदर वर्ल्ड। तो मुझे लगता है आपको इनफैक्ट हर बुक पढ़नी चाहिए, हर तरह की किताबें पढ़ना आना चाहिए। जैसे मैं फिल्मी गाने सुनती हूँ तो मुझे गज़लों का भी उतना ही शौक है, मुझे मिर्ज़ा गालिब कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि मिर्ज़ा गालिब मुझे लगता है उनसे बेहतरीन राइटर होना मुश्किल है उस लेवल के जो राइटर थे, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी स्ट्रगल में निकाल दी। तो वो मैं उनकी बुक है मेरे पास, तो मैं अभी उनकी बुक शुरू करने जा रही हूँ पढ़ना। तो मुझे वही लगता है कि जब आप एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन इनफैक्ट, व्हेन यू रीड बुक्स, व्हेन यू रीड अबाउट अदर पीपल, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज आप पढ़ते हैं तो आप उनकी जर्नी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप ये सीख सकते हैं कि कैसे एक नॉर्मल आदमी कैसे अपनी जर्नी में सीख के बड़ा बना, कैसे एक घमंड की वजह से एक आदमी अब नीचे गिरा। तो आई थिंक रीडिंग
इन जनरल इज वेरी इम्पोर्टेंट, इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. अभी आपने बात की कि कंफर्ट जोन से निकल के आप दूसरे स्कूल्स में जब जाते हैं, तो एक्टिंग के लिए कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जब करते हैं वो एक्टिंग की तो है. और तभी बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो अभी कोई, जब मैं नया शो शुरू करने जा रही होती हूँ तो मैं इतनी नर्वस होती थी कि मैं पहले दिन ऐसा था कि मैंने क्यों ले लिया, क्यों शो ले लिया, जैसा मेरा स्कूल में हालत होती थी कि अरे मैं क्यों जा रही हूँ. पर फिर एक बार आप वहाँ पहुँचते हो, आप किरदार, तो आई थिंक कोई भी जगह आपको थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट करने में. तो मुझे एक दो दिन लगते हैं कि मुझे नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नए सेट पर जाना पड़ेगा. तो मैं इनिशियली, मेरा रिएक्शन वही होता है कि अरे मुझे बचा लो. पर मैं इनफैक्ट एक टाइम पे मैंने एक नया शो साइन किया था एज अ लीड, और मैं घर आके पुनीत के पास आके रोने लगी कि एक और शो कर रही हूँ मैं. तो उसने बोला तो पागल है क्या कि लोग काम करना. मैंने बोला वो चीज़ नहीं है मुझे, मतलब मुझे वो ही कि मुझे रोज अपना कंफर्ट लेवल इनिशियली आपको ब्रेक करना. तो मैं फिर ये होता था कि फिर मैं ऐसे इंजॉय करती थी सबके साथ, एक बार दोस्ती हो गई कि वापस घर आने का ठिकाना नहीं होता था. उस हिसाब से हो जाती थी कि आप सेट पे एक फैमिली बन गया, एक परिवार बन गया. बट इनिशियली मेरा रिएक्शन आज भी थोड़ा सा वैसे ही होता है जैसे मैं स्कूल जा रही हूँ पहले दिन में. तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस पे मैं उसको मैं जितना तोड़ सकूँ उस चीज को. आप लिखती भी हैं? जी मैंने वही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टोरीज थोड़ी लिखनी शुरू की थी, तो अभी काम चल ही रहा है उन पे. सो होपफुली यू विल रीड देम समडे. सो मैं इनफैक्ट मुझे जानवरों का भी बहुत शौक है. सो आई डू अ लॉट ऑफ रेस्क्यूज. तो वो जर्नी वो भी एज एन एक्टर मुझे बहुत हेल्प किया कि मैं जब सिस्टर दीदी कर रही थी तो मेरे चक्कर में सेट पे कुछ 8 कुत्ते थे, उनको मैं खाना दिलवाती थी, बिल्लियों को खाना दिलवाती, बंदर भी आते. फिल्म सिटी में सेट था तो वो माहौल ऐसा था. तो मुझे याद है कि मेरे प्रोड्यूसर ने बाद में आके मुझसे कहा कि तुम्हारे चक्कर में अब हम दूसरे सेट पे भी जानवरों का ध्यान रखने लगे हैं क्योंकि हमें मेंटली आता कि अरे परिवार क्या बोलेगी. तो हम उसके लिए वहाँ पे खाना वाना रखवाया हुआ हमने. तो आई थिंक वो चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनसे मैं खुश हो जाती हूँ. तो वही वाला हिसाब किताब है. तो राइटिंग में मैं व्हाट आई ट्राई बेसिकली राइट नाउ इज कि मैं रियलिटी के अराउंड स्टोरीज ढूंढती हूँ, जो वर्ल्ड में एक्चुअली हो रहा है उसी के अराउंड कुछ एक मैसेज होना चाहिए इन व्हाट यू राइट. आई बिलीव. आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है जो आपने किया? फेवरेट कैरेक्टर जो मैंने किया है आई थिंक सिस्टर दीदी का कैरेक्टर अमृता, नर्स अमृता, बिकॉज आई थिंक वो क्लोजेस्ट टू हाउ आई एम इन रियल लाइफ था इन जनरल. बहुत ही वो, मतलब शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी अराउंड हर. सो मुझे बहुत बहुत पसंद था. अगर आप परफॉर्मेंस एंजाइटी की बात करें, जो स्टेज पे जाने से पहले हर कलाकार को होती है, क्या टीवी में ऐसा आपने फील किया? बिल्कुल बिल्कुल. देखिए एक क्या होता है कि टीवी में आप कितना भी काम कर लो आपको ऑडिशन देना पड़ता है. सो बिकॉज एक लुक टेस्ट होता है कि आप उस कैरेक्टर के लिए आप फिट है कि नहीं. ये हॉलीवुड में जैसे बड़े बड़े एक्टर्स भी आज भी ऑडिशन देते हैं कि आप पर्टिकुलर एक्टर उस रोल के लिए कितना परफेक्ट है. सो मुझे अभी भी जिटर्स फील होते हैं जब मैं ऑडिशन देती हूँ. और इनिशियली मुझे एक हफ्ता लगता है कि मैं अपने वो जिटर्स को रोक सकूँ और एकदम स्मूथली कैरेक्टर में घुस जाऊँ. मतलब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हम लोग. तो मुझे याद है कि सिस्टर दीदी का पहला दिन हमने पटियाला में शूट किया था, किसी के एक्चुअल घर में जाके. तो मैं आई थिंक मैं शॉर्ट सीन खत्म होने के बाद मैं हफ्ते भर उनको बोल रही थी ये रीशूट कर लेना, पहला वाला सीन ये रीशूट कर लेना. मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रही थी. तो फिर जब वो एडिट होके आया तो प्रोड्यूसर जो थे टोनी सिंह, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला ये देख क्यों रीशूट करना है इसको, ये परफेक्ट है. तो मैंने बोला मेरे लिए परफेक्ट नहीं था क्योंकि मैं अभी भी आई वाज स्टिल लर्निंग अबाउट दिस कैरेक्टर कि इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, ये लोगों से कैसे बात करेगी. तो इसलिए मुझे, मतलब देख के शायद अच्छा लग रहा है बट मुझे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था. तो आई थिंक वो लर्निंग प्रोसेस आपका हर कैरेक्टर के पहले होता ही है. परिमिति मैं जानना चाहूंगी कि एक अच्छा कलाकार बनने के लिए
सबसे जरूरी बात क्या होनी चाहिए उसमें, और एक और कामयाब होने के लिए जो कहते हैं ना इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस, क्या कहते हैं? आई थिंक देखिए, अच्छा कलाकार होने के लिए मुझे लगता है कि आपको यू ऑल्सो नीड टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि आपको दिल से अच्छा होना चाहिए, कि आप लोगों मतलब यू शुड नॉट हर्ट एनीबडी, यू शुड ट्राई टू बी। मुझे हमेशा लगता है कि सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए अच्छा इंसान बनने की। आप अच्छे इंसान हैं तो आप धीरे धीरे बाकी चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं, बट आप इंसान ही अच्छे नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपके काम में रिफ्लेक्ट करेगा, आपके रिलेशंस में रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो चीज़ मेरे लिए आई थिंक बहुत मैटर करती है। और आपने उसके आगे क्या पूछा था, 1 मिनट, कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या कामयाब। है? सो कामयाबी, मैंने ये कहीं पे पढ़ा था कि कामयाबी इज हाउ यू परसीव इट। कई लोगों को के हिसाब से बहुत पैसा होना ही कामयाबी है, और मेरे हिसाब से जनरली मुझे ये लगता है कि अगर मेरी कामयाबी होती जब मैं अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से कोई किरदार निभा सकूं। मैंने बहुत ये नहीं किया है कि दूसरों ने मेरा मेरे लिए क्या परसीव किया है। तो आई थिंक यू हैव टू बी अप्रिशिएटिव टुवर्ड्स योर सेल्फ, कि आपने जो अचीव अपने बलबूते पे किया है उसको अप्रिशिएट करना बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और एक आई थिंक कामयाबी इज ऑल्सो कि आप हर सिचुएशन को किस अच्छाई से हैंडल कर सकते हैं। एक कामयाब इंसान वो भी हो सकता है जो आप, मैंने एक चीज मतलब सुनी थी कि जो दुखी रहना चाहता है वो कितना भी पालेगा दुनिया में वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो दुखी रहेगा। और जो खुश रहना चाहता है वो कम में भी खुश रहेगा, वो ज्यादा में भी उतना ही खुश रहेगा। उसका ऐसा नहीं है कि अरे मैं ज्यादा पाके ज्यादा खुश हो जाऊंगा। सो एज अ पर्सन आई थिंक यू शुड फर्स्ट हैव दैट स्टेबिलिटी इनसाइड यू, कि सक्सेस मिले या फेलियर, आपकी कामयाबी होनी चाहिए कि यू आर एबल टू हैंडल बोथ विद इक्वल जेस्ट। पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, पेशेंस, ठहराव का बिल्कुल होना, बिल्कुल ठहराव बिल्कुल। जिसे कहते हैं बहुत जरूरी है। डेडिकेशन, आप क्या कहते हैं देखिए, डेडिकेशन? अब अमिताभ बच्चन से कहते हैं बड़ा सुपरस्टार नहीं है इंडिया में, लेकिन एक टाइम आया था कि उनको उनके घर के बाहर लोन वालों ने लाइन लगा के रखी हुई थी उनसे पैसे लेने के लिए, लेकिन उन्होंने उस चीज को इतने खूबसूरती से हैंडल किया, और एंड ही मेड अ कमबैक एंड ही इज बीन वर्किंग टिल डेट। सो ही इज अ लेजेंड इन दैट वे। इफ यू सी कि उन्होंने सबसे ज्यादा कामयाबी भी देखी, उन्होंने सबसे बड़ी नाकामयाबी भी देखी है, लेकिन ही स्टेड ग्रेसफुल ऑल थ्रू आउट। सो वो पेशेंस बिटर नहीं बहुत होना जरूरी चाहिए किसी है, को बेबिटर लाइफ में। नहीं होना चाहिए। डॉक्टर सरला मेहता आपके लिए लिखती हैं कि आपके चेहरे से गजब का कॉन्फिडेंस चलता है। अरे और धन्यवाद। वही डॉक्टर सरला मेहता आगे लिखती हैं कि अच्छा इंसान ही कामयाबी हासिल करता है। बिल्कुल सही। अय्याज शरीफ साहब कश्मीर से हैं, मीडिया कम्युनिकेटर हैं, मीडिया कर्मी हैं, लिखते हैं बैड ह्यूमन बीइंग कैन नेवर बी अ गुड गुड आर्टिस्ट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत सही बात कही। अमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पायना जी, मैं चलते चलते आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, खासतौर पर जो 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 अभी अभी जिन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट कोई भी ज्वाइन किया, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ कि हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए कि हम आज कल से बेहतर इंसान बने। हम रोज कोई एक अच्छा काम करें ऐसा जिस पे हमको खुशी, अंदर से खुशी मिले, चाहे वो किसी भूखे को खाना देना हो, चाहे वो किसी रोड के जानवर को प्यार दिखाना हो। हमें वी शुड जस्ट स्ट्राइव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ द ह्यूमन दैट वी कैन बी। बाकी आई थिंक बहुत सारी चीज़ें के लोग कहते हैं किस्मत पे है, तो जो आप मेहनत करते जाइए और बाकी छोड़ दीजिए हालात पे, और बस अच्छा इंसान बन के रहिए, बाकी जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन जब आपने ये बात बहुत खूबसूरत बोली कि जानवरों से प्यार करना, क्योंकि जानवर आपका एक बहुत अच्छा दोस्त होता है। बिल्कुल। मैं इनफैक्ट जब मैं बॉम्बे आई थी तो मैं अपने पेरेंट्स के घर में रहती थी न्यू बॉम्बे में, और मैं वहाँ से मैं एक्टिंग करने के लिए जाती थी लोकल ट्रेन पकड़ के। तो जब जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी उस टाइम न्यू कमर्स को ऐसे 12-15 घंटे हम काम कर रहे होते थे, तो जब तक मैं वापस आती थी तब तक रात के 1:30 बज चुके होते थे, और ये जगह सुनसान होती थी। तो मुझे आदत थी, मैं बचपन से
स्ट्रीट एनिमल्स को खाना, रोड के जितने जानवर होते थे मैं कुछ ना कुछ अपने पास उनके लिए रखती रहती थी। मेरी माँ की बहुत आदत है ये दवाइयाँ देना, खाना खिलाना, तो हमेशा मेरे बैग में वीटामारी या कोई बिस्किट्स रहते ही थे। तो मैं सुबह जाने के टाइम देते हुए जाती थी और वापस आने के टाइम हमेशा बैग में लेके आती थी। तो मुझे याद है कि ये सुनसान जगह जहाँ लाइट कम होती थी वहाँ पे ये 8 डॉग थे, स्ट्रे डॉग, जो स्टेशन पे मेरा वेट करते थे और मेरे साथ मेरे घर के गेट तक आते थे। और अकेले में चाहे कोई भी खड़ा हो आसपास, हिम्मत नहीं थी कि कोई मेरे पास आ जाए क्योंकि वो मुझे घेर के चलते थे। और क्या करती थी मैं, सिर्फ 2 बिस्किट खिलाती थी उनको और प्यार करती थी। तो जानवर को किसी और चीज से मतलब ही नहीं है, जानवरों को सिर्फ प्यार से मतलब है। आप उनकी तरफ एक एक बिस्किट का टुकड़ा दे देंगे, वो उसमें ऐसे बिहेव करेंगे कि आप उनके भगवान हैं। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने, बहुत खूबसूरत। जानवर से प्यार करना तो वाकई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। परिवा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो मुझे भी जर्नी शेयर की, इट वाज सो गुड, सो एनर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू काजल जी, थैंक यू सो मच, बाय। और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी। होपफुली मेरी आवाज सही आ रही होगी, आई डोंट नो आवाज का प्रॉब्लम रहा है, आई डोंट नो अबाउट दैट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कल शाम को 7 बजे हमारे साथ रहेंगी इंडियन प्लेबैक सिंगर है सपना अवस्थी जी। बहुत पॉपुलर नंबर उन्होंने गाए हैं, बहुत फेमस नंबर उन्होंने गाए हैं फिल्मों से। तो कल शाम को 7 बजे हमारे साथ रहेंगी, तो रहिएगा आप हमारे साथ कल शाम को 7 बजे एक बार फिर से शख्सियत के इसी अंक में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।